दो हजार अठारह चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आई पी एल दो हजार अठारह का पहला मैच खेला जा रहा है पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है धोनी जानते हैं कि बेंगलुरु के चिना स्वामी स्टेडियम पर जिस तरीके से बाद में ओस गिरती है तो वह बाद में खेलने वाली टीम के लिए काफी लाभदायक साबित होती है यही कारण है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला लिया है पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ओपनिंग करने आए थे विराट कोहली की कमजोरी और ताकत को निश्चित रूप से महेंद्र सिंह धोनी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे धोनी ने कोहली को आज धोखा दिया है दो हजार अठारह शुरू में कोहली तेज रन बना रहे थे विराट कोहली जब ओपनिंग करने आए तो शुरू से ही कोहली ने तेजी से रन बनाना शुरू किया विराट कोहली आज मैच में एक सौ चौबीस की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे विराट कोहली ने पंद्रह गेंदों पर अट्ठारह रन बनाए शुरू में विराट कोहली ने जिस तरीके से चौके लगाए हैं तो उन तीन चौकों को देखकर निश्चित रूप से धोनी भी हैरान हो गए थे धोनी जानते थे कि अगर कोहली का बला चला तो उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब पांचवा ऊपर शार्दुल ठाकुर को दिया तो शार्दुल ठाकुर को काफी कुछ समझाते हुए महेंद्र सिंह धोनी नजर आए थे महेंद्र सिंह धोनी ने शार्दुल ठाकुर को जिस तरीके से इशारों में समझाया था कि कैसे विराट कोहली को स्लो गेंद करनी है विराट कोहली को तेज गेंद अगर वे करेंगे तो कोहली उतनी ही तेज़ी शॉट मारेंगे और उस समय कोहली को रोकना मुश्किल हो जाएगा धोनी वैसे कोहली के ख़िलाफ़ कुछ ख़ास प्लान बना रहे थे जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने धोनी की बात मानकर एक स्लो गेंद कराई तो उसी गेंद पर कोहली का विकेट मिल गया निश्चित रूप से विराट कोहली काफ़ी निराश हुए होंगे कि आज मैच में धोनी के ख़िलाफ़ रन नहीं बना पाए हैं